आज मैं सब्जी मंडी से गुजर रही थी तो मिल गया मुझे ये बिल्कुल ताज़ा कच्चा पपीता। तो मैंने सोचा इसकी सब्जी बनाते हैं। तो पर्सनली जिन लोगों को पपीता की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो ये रेसिपी उनके लिए है। सबसे पहले पपीता को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और छील लेना है। और ध्यान रहे इसके अंदर का जो गूदेदार परत होती है जिसमें सीड्स लगे रहते हैं तो उसको भी निकाल देना है। इस अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। अब जब इनको हम कट करते हैं तो इनसे चिपचिपा एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है तो इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करके अच्छे तरीके से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो इस तरह से हमारी रेसिपी का ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। पपीता के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब लेनी है हमें हरी मिर्च, 3 से 4 कली लहसुन और एक छोटा प्याज। अब इसको हमें दरदरा कूट लेना है। नमक इसके अंदर ज़रूर डाल दें क्योंकि कोई भी हम जब मसाले को कूटते हैं तो उसमें नमक डालने से वो जल्दी क्रश हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशली लहसुन। तो इस तरह से ये दरदरा पेस्ट बना लेना है हमें। तेल गरम करें जो भी आपका मनपसंद हो। मुझे सरसों का तेल पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है। ज़ीरा तड़काना है। ज़ीरा तड़काने के बाद कटे हुए पपाया को इसमें डाल करके अच्छे तरीके से तेल से कोट कर देना है। अच्छे तरीके से तेल से इसको कोट कर देंगे और फिर इसको ढक करके पकने के लिए रख देंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम सूखे आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो अपने आप अपने ही पानी के अंदर ये सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक जाएगी, हमें पानी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कवर कर देंगे इसको, कवर करके पकाएंगे लगभग जब तक 80% ये सब्ज़ी कुक नहीं हो जाए। तो इस तरह से एक पीस को प्रेस करके देखेंगे, ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो अब हमने लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट बनाया था, आप चाहें तो अदरक भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, उसको इस तरह से बीच में आपको रख के छोड़ देना है, ढक देना है 1 मिनट के लिए। तो कच्चापन थोड़ा सा जो होगा लहसुन का और प्याज का, उससे बहुत सौंधी सी खुशबू आ जाएगी। अब इसमें हम स्वाद अनुसार डालेंगे सूखे मसाले। एक चीज़ ध्यान रखें, नमक हमने लहसुन प्याज को पीसते वक्त ऐड किया था तो उसी के हिसाब से आपको नमक इस रेसिपी में ऐड करना है। ढक करके बाकी जो थोड़ी सी कच्ची सब्जी है ढक करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और बाद में मिलाएंगे आवश्यकता अनुसार हरा धनिया और एकदम लज्जतदार सब्जी तैयार है। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि रेसिपी आपको कैसी लगी।